हाय एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ शिमला के जायका में। तो आज हम फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे, तो इसके लिए हम कुछ इंग्रेडिएंट्स लेंगे जो कि हमारे सामने रखे हुए हैं। इसके लिए मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं जैसे कि सेब, केला, पपाया, मैंगो के क्यूब्स, चेरी और डेकोरेशन के लिए आइसक्रीम, चीनी और कुछ बादाम जिन्हें मैंने यहाँ पे पीस के रखा हुआ है, कस्टर्ड पाउडर जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, और दूध। ये मैंने आधा किलो दूध लिया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो ये मैंने मैंगो क्यूब्स लिए हैं, ये मैंने मैंगो के पल्प से बनाया है जिनको मैंने फ्रीजर में रखा है। इससे क्या होता है, ये ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। तो अब हम अपना कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूँ, मैंने इसमें 1.5 कप दूध गर्म करने रखा है, और आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, मैंने कढ़ाई ली है, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने एक ठंडा दूध पहले से अलग करके रखा था, क्योंकि मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करना है, और हम कभी भी गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर मिक्स नहीं करते हैं क्योंकि इसमें लम्स बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इस दूध में डालेंगे, और हम इसे कॉन्टीन्यूसली घुमाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। वो जो मैंने कस्टर्ड घोला हुआ था एक कौली में, वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितना थिक लग रहा है अब दूध। हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो अब ये हमारा बन गया है ऑलमोस्ट। इसमें हम चीनी डालेंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है इस कौली में। ये 4 चम्मच है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जब तक ये गाढ़ा नहीं होता है हम इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। हम इसे अब कम से कम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे। इसे हम स्टर करते रहेंगे ताकि ये लम्स ना बने। तो 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस बंद कर दी है। तो अब मैं इसमें पीसे हुए बादाम डालूंगी टेस्ट के लिए। मैं इसे 5 से 7 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखूंगी। तो अब मेरा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें अपने सारे कटे हुए फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने इसके लिए बनाना रखा था, इसमें बनाना डाला है, सेब डालेंगे, पपाया, चेरी, मैंगो। तो अब मैं मिक्स कर लूँगी। सो अभी सारे मैंने मिक्स कर दिए हैं। तो अब हम 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, और फिर हम इसकी डेकोरेशन करेंगे आइसक्रीम के साथ। तो चलिए देखते हैं। तो अब 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया है, एंड फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं। और अब मैं इसे प्लेट करूँगी। तो मैंने प्लेटिंग कर ली है, और आप देख सकते हैं मैंने इसमें आइसक्रीम डाली है क्योंकि मुझे ये आइसक्रीम के साथ ज़्यादा डिलीशियस लगता है। ये ऑप्शन है वैसे, और आप ये कस्टर्ड ट्राई करिएगा और मुझे बताइए कैसा लगा आपको। आप इसमें कोई भी अपने मनपसंद फ्रूट डाल सकते हैं, मैंने ये 4 डाले जिनकी मेरे फेवरेट है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।